साउथ इंडस्ट्री का इन दिनों बोलबाला है, लेकिन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के साथ भाषा पर नया विवाद छिड़ गया है। इस विवाद की शुरुआत की है साउथ के विलेन किच्चा सुदीप ने, जिसका जवाब बॉलीवुड सिंघम ने जोरदार अंदाज में दिया है। जी हां, आपको बता दें, एक तरफ साउथ सिनेमा की फिल्मों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाषा को लेकर नया विवाद सामने आ खड़ा हो गया। इस विवाद की शुरुआत हुई है साउथ इंडस्ट्री के हिट विलेन किच्चा सुदीप के एक वीडियो इंटरव्यू से। इस वीडियो में उन्होंने हिंदी भाषा के लिए कहा था कि वह हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब किच्चा सुदीप के इस विवादित बयान ने काफी तूल पकड़ लिया है। एक्टर को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अजय देवगन ने इस पर रिएक्ट किया है। अजय देवगन ने ट्वीट करके लिखा है कि किच्चा सुदीप, मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। किच्चा सुदीप ने कहा था कि पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही हैं। मैं इस पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा। हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं रह गई। आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही हैं। वह तेलुगु और तमिल फिल्मों का रिमेक बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम वे फिल्में बना रहे हैं जो दुनिया भर देखी जा रही है। अजय देवगन को जवाब देते हुए किच्चा ने भी ट्वीट किए और उन्हें सफाई दी। किच्चा ने लिखा, सर, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वह बात कही, मुझे लगता है कि मेरे उस बात को बहुत अलग तरीके से लिया गया है। शायद मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से आपके सामने तभी रख सकूँ जब मैं आपसे मिलूंगा। मेरी बात को कहने का मतलब यह नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, उत्तेजित करूं या फिर किसी विवाद को बढ़ाऊं। जी, आपको बता दें, साउथ सिनेमा की बात करें तो आज इंडस्ट्री काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। साउथ की फिल्में कमाई के मामले में रिकॉर्ड्स बना रही है। बाहुबली, पुष्पा, RRR और KGF जैसी फिल्मों ने कमाई के मामले में कमाल कर दिखाया है। दुनिया भर के लोग इन मूवीज़ के मुरीद हो गए हैं। RRR ने 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई दुनिया भर में कर ली है, जबकि KGF चैप्टर 2 भी तेजी से 1,000 करोड़ की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।